वैसे तो वार के हिसाब से सब मनुष्य कपड़े पहनते हैं, उनको ज्ञान भी नहीं होता कि जिस दिन जिस कलर के कपड़े पहन रहे हैं वो मनुष्यत को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे बुधवार के दिन हरे कपड़े भूलकर भी ना पहने ऐसे लोग जिनकी राशि ये है। तो वीडियो में बने रहिए, हम आपके शुभचिंतक हैं, आपका भला चाहते हैं और हम नहीं चाहते आपको कोई नुकसान किसी की सलाह से हो। तो हम आपकी भलाई की कामना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किसी के नसीब को फूटा नसीब बनाने में हरे कपड़े कितने कारगर हो सकते हैं। आपका नसीब फूटे नसीब के श्रेणी में लाना चाहते हैं तो हरे कपड़े पहनिए। किस्मत को आप बट्टा भट्टा बैठाना चाहते हैं तो हरे रंग के कपड़े पहनिए, क्योंकि हरे रंग के कपड़े पहनना तीन राशि वाले ऐसे हैं जिनको भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। तो इसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी ऐसी तीन राशियां हैं जो भूल कर भी हरे कपड़े बुधवार को ना पहने, बल्कि उनको हरे कपड़े का दान किसी दैवज्ञ को करना चाहिए। आप हरे कपड़े का दान किसी को करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। हरा कपड़ा में मूंग बांधकर आपको दान करना चाहिए, धर्म स्थान में मूंग दान करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जी आपको गाय को खिलानी चाहिए, पालक इत्यादि आप गाय को खिला सकते हैं, चारा गाय को डाल सकते हैं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप हरा कपड़ा पहनते हैं तो आपकी तकदीर का भगवान ही मालिक है। हम आपको बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, किसी की बातों में आकर अपना बंटाधार मत करिए और हरे रंग के कपड़े बुधवार को मत पहनिए। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले अगर हरे कपड़े बुधवार को पहनेंगे तो उनको रोग उत्पन्न होगा, उनको कर्जा चढ़ेगा, उनके शत्रु वृद्धि होगी अगर वो हरे रंग का कपड़ा बुधवार को पहनेंगे। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों वाले अगर हरा कपड़ा पहनते हैं उनकी फिजूल खर्ची प्रारंभ हो जाएगी। फिजूल खर्ची वो करते रहेंगे, कहाँ खर्च हुआ पैसा उनको पता ही नहीं चलेगा। पैसे की आवक तो दूर, पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे अगर आप ये काम करते हैं कर्क राशि वालों। तो आप संभल संभल के हरा कपड़ा पहनिए। अन्य दिनों में हरा कपड़ा पहन सकते हैं, मैं बुधवार की ही बात कर रही हूँ। हरा कपड़ा आपकी बुद्धि को तीव्र कर सकता है, हम मानते हैं, लेकिन हरा रंग का रुमाल आप अपने पास रख सकते हैं, इसी से आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। और आपकी बुद्धि तो ऑलरेडी तीव्र होती है, आपको कौन बुद्धि तीव्र करने वाला बना सकता है। हरे रंग का दान ही आपको बुद्धि देगा। हरे रंग का प्रयोग जितना आप दान के रूप में लोगों को देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतनी ही आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में दुर्घटनाएं हो सकती हैं और उनके जीवन में कष्ट संभव है अगर वो हरा रंग का प्रयोग, हरे रंग के कपड़े बुधवार को पहनते हैं। तो ये तीन राशि वाले ऐसे हैं जिनको भूल कर भी हरा रंग कपड़ों के रूप में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। शुभ दिन हो या रात, किसी भी वक्त हरे कपड़े आपके बॉडी को टच ना करें, इसका आप ध्यान रखें। हरा रंग किसी भी रूप में आपको छूना नहीं चाहिए। हरे रंग के दर्शन भी आप इस दिन करते हैं बुधवार को तो आपका सत्यानाश हो जाता है, आपका बंटाधार हो जाता है, और हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो। हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो, इसीलिए ये वीडियो बनाने की नौबत आई है। और हरे रंग का जितना दान करेंगे, जितना गाय माता की सेवा करेंगे, उतना ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा और उतनी ही आपकी बुद्धि तीव्रता को प्राप्त होगी। तो आज का वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। अगर मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम का है और आपको बहुत फ़ायदा इस चैनल से हो सकता है। जो ज्ञान आपको कोई नहीं देता वो ज्ञान मैं आपको देती हूँ डॉक्टर उमाश्री, और मेरे ज्ञान आपके लिए सही साबित होते हैं, सटीक साबित होते हैं और आपकी भलाई, क्योंकि मैं शुभ चिंतक हूँ आपकी। आपका नुकसान मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई आपको गलत सलत बातें बता रहा है और उसको आप मानते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। आप उसमें कितना फेद करते हैं आपकी मर्ज़ी है, उसको सब्सक्राइब करते हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम आपकी मर्ज़ी से आपको कोई काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं और हम आपकी भलाई चाहते हैं। तो ये तीन राशि वाले, मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले भूल कर भी हरा वस्त्र धारण ना करें बुधवार के दिन। बुधवार की ही बात कर रही हूँ, अन्य दिनों की चर्चा नहीं कर रही अभी, बुधवार की बात कर रही हूँ। बुधवार आपके लिए अशुभ होता है और बुध से आपको अशुभता मिल सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कोई ग्रह होता है। आपका लग्नेश मंगल है, मेष लग्न वालों आपका लग्नेश मंगल है, जिसकी बुध से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो
बुध का शत्रु ही समझिए। आपका लग्नेश या आपका देह स्थान का मालिक जिस ग्रह का शत्रु है उस ग्रह के आप कलर पहनेंगे, तो आप खुद सोचिए। कर्क राशि वालों, आपका स्वामी चंद्रमा होता है, आपका लग्नेश चंद्रमा होता है, लग्न की बात कर रही हूँ, तो लग्न के हिसाब से ही आपको कलर पहनने चाहिए। और आपके लिए कोई कलर शुभ है आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन कुल मिला के आपका जो लॉर्ड चंद्रमा है उसकी प्रबल शत्रुता है बुध ग्रह के साथ में। और फिर पुनः वृश्चिक राशि, आपकी प्रबल शत्रुता है बुध ग्रह के साथ में, मतलब आपकी राशि का स्वामी मंगल है, मेष और वृश्चिक राशि वालों का स्वामी मंगल है और कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा है। इनकी प्रबल शत्रुता है, इनकी बनती ही नहीं बुध से, बुध के साथ अगर युति हो तो अशुभ माना जाता है। चंद्र बुध की युति बहुत अशुभ मानी जाती है। चंद्रमा और बुध जिस घर में एक साथ बैठे हों उस घर का भी बंटाधार होता है। हालांकि कुछ शुभ फल मिलते होंगे, ये ग्रहीय स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन चंद्रमा के शत्रु है बुध और मंगल का भी शत्रु है बुध, और उस ग्रह के आप कलर पहने बुधवार के दिन उसके शत्रु के दिन, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा और नुकसान ही नुकसान होगा। तो हमारी राय आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल को डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, यहाँ बात होती है ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु की। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं, जैसे ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली है। थैंक यू सो मच।